चंद्रयान, हबल टेलीस्कोप और हजारों सालों पहले सेलर्स के बीच में क्या कॉमन है, ये सभी अपना रास्ता ढूंढने के लिए आसमान की तरफ देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है और आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो जीपीएस और कंपास यूज करके इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं। बट यही सवाल अगर आप किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट से पूछो तो स्पेस में ग्रेविटी और जीपीएस दोनों ही नहीं है, तो फिर कैसे सैटेलाइट्स और चंद्रयान जैसे स्पेसक्राफ्ट अपनी लोकेशन और ओरिएंटेशन का पता लगाते हैं। सेम प्रॉब्लम आई थी हजारों सालों पहले हमारे पूर्वजों को, जब वो समुद्र में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। समुद्र में दूर दूर तक कोई लैंडमार्क नहीं है जिसके रेफरेंस से आप अपनी लोकेशन या डायरेक्शन का पता लगा पाएं। फिर एक दिन हमारे स्मार्ट पूर्वजों ने नोटिस किया कि कुछ स्टार्स की पोजीशन एक दूसरे के रिलेटिवली हमेशा सेम रहती है। उन्होंने कई सारे स्टार्स के पैटर्न को ढूंढा और नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशंस बनाए। रात में इन्हीं कॉन्स्टेलेशंस की पोजीशन को ऑब्जर्व करके हमारे पूर्वज समुद्र में भी अपना रास्ता ढूंढ लेते थे। ये निंजा टेक्निक आज भी यूज होती है हमारे मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट में। फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे जैसे कि एस्ट्रोलैब, आज यूज होते हैं स्टार ट्रैकर या फिर स्टार सेंसर्स। ये एक तरह का कैमरा होता है जो स्टार्स को ऑब्जर्व करके स्पेसक्राफ्ट की एटीट्यूड या फिर ओरिएंटेशन का पता लगाता है। कई सारे मिशन जैसे कि हबल टेलीस्कोप, वॉयेजर एयरक्राफ्ट, जूनो स्पेसक्राफ्ट इन्हें ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसरो ने भी चंद्रयान 3 के लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्टार सेंसर्स का यूज किया है। लेकिन ये काम कैसे करता है? पहले स्टार सेंसर अपने आसपास के एनवायरनमेंट की एक पिक्चर लेता है। स्पेसक्राफ्ट में पहले से ही आसमान में दिख रहे सारे तारों का एक मैप या फिर स्टार कैटलॉग होता है। जब भी स्टार सेंसर कोई फोटो लेता है, इसे कंपेयर किया जाता है स्टार कैटलॉग से। जैसे ही कोई मैच मिलता है, स्टार सेंसर दोनों इमेजेस को कंपेयर करता है और दोनों इमेजेस के डिफरेंस जैसे कि स्टार्स के बीच में डिस्टेंस, उनकी ब्राइटनेस और उनका ओरिएंटेशन को यूज करके कैलकुलेशंस करता है और हमें बताता है स्पेसक्राफ्ट का ओरिएंटेशन जैसे कि यॉ पिच और रोल एंगल। हमने इंटरनेट पर बहुत सर्च किया लेकिन हमें एक भी लाइव वर्किंग वीडियो नहीं मिला स्टार सेंसर का। सो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे समझाने के लिए हमने एक प्यारा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है। इस एक्सपेरिमेंटल डेमो में ये वेबकैम काम करेगा हमारे स्टार सेंसर का और ये मार्कर काम करेंगे हमारे स्टार्स या फिर कॉन्स्टेलेशंस का। अब इमेजिन करो हमारी सैटेलाइट स्पेस में ट्रैवल कर रही है और हमारा स्टार सेंसर ऑब्जर्वेशंस ले रहा है। जैसे ही उसके सामने मार्कर्स आते हैं, ट्रैकिंग शुरू हो जाती है और हमारा सॉफ्टवेयर सैटेलाइट की ओरिएंटेशन का पता लगा लेगा। इसका आउटपुट आप इस विंडो में देख सकते हो। बैकग्राउंड में हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस करके कैमरा के मूवमेंट्स को ट्रांसलेट कर रहा है हमारे वर्चुअल सैटेलाइट्स के मूवमेंट में। जिस तरह से कैमरा मूव हो रहा है, सेम हरकतें हमारे सैटेलाइट का 3D मॉडल कर रहा है आउटपुट विंडो में। स्टार सेंसर भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ये जो व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये हमारे सैटेलाइट का पाथ है। वीडियो में मैं बार बार चंद्रयान का रेफरेंस दे रहा हूँ, बट ये डेमो मैंने बनाया था गगनयान के लिए और ये उसी का 3D मॉडल है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इसका लिंक हमारे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। ऐसे ही कई सारे यूनिक सेंसर्स को यूज करेगा इसरो चंद्रयान मिशन के लिए, जिसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बताना हमारा ये एक्सपेरिमेंटल डेमो कैसा लगा है, इसे आगे कंटिन्यू किया जाए कि नहीं।